बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। प्रोफेसर जाहिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेटा, आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो अगर आपसे पूछ रहा है व्हाई एल्डिहाइड कीटोन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बड़ा उसमें मेन टू रीजंस हम बताते होते हैं। नंबर वन ये है कि इसमें देयर इज पाई बॉन्ड इन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड में वन सिग्मा वन पाई बॉन्ड है, तो जिसमें पाई बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड है और उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने चाहिए, यानी उसे एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों देने चाहिए, पर उसमें हम लिखेंगे बिकॉज देयर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर। तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, उसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। सो दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन विल बी अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। तो टू पॉइंट्स हैं कि व्हाई एल्डिहाइड कीटोन्स गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नंबर वन, दे हैव अनसैचुरेशन, दे हैव कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इन विच देर इज वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। नंबर टू, देयर कार्बन कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर एंड अ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ओवर इट, यानी दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एक्ट एज द रिएक्शन सेंटर। फिर इसमें जो बेस कैटालाइज रिएक्शन हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, उनकी टू टाइप्स होती हैं। दे कैन बी एसिड कैटालाइज्ड, दे कैन बी बेस कैटालाइज्ड। बट इसमें जो बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, उसमें बेस कैटालिस्ट का रोल क्या होता है, उसमें हम बताएंगे। नंबर वन, कि जो बेस कैटलिस्ट है इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट बाय एक्सेप्टिंग इट्स इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, जो आम तौर पे यूजुअली हाइड्रोजन होता है। जैसे ये नीचे मैंने मेंशन किया है कि एक बेस कैटलिस्ट है OH नेगेटिव, वो अटैक कर रहा है इस रिएजेंट पे, जनरल फार्मूला लिख दिया HNU, उस रिएजेंट का जो H स्लाइड पॉजिटिव और NU स्लाइड नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो बेस कैटलिस्ट क्या करता है कि इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट या हाइड्रोजन है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, वाटर फॉर्म कर देता है, और न्यूक्लियोफाइल जिस पे पहले स्लाइट नेगेटिव चार्ज था अब उस पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो दिस बेस कैटलिस्ट हेल्प टू जनरेट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बाय रिमूविंग इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट। ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट को रिमूव करता है, खुद वाटर की फॉर्मेशन कर देता है, और न्यूक्लियोफाइल जो पहले पार्शियल नेगेटिव था अब उस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यानी ये पावरफुल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। उसके बाद मैंने मेंशन किया कि जो बेस कैटालाइज रिएक्शन है, ये बेस कैटालाइज रिएक्शंस आर गिवन बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देते हैं क्योंकि इसमें जो बेस कैटलिस्ट है ना, उसने रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज कर दिया था, न्यूक्लियोफाइल को पावरफुल बना दिया था, स्ट्रॉन्ग कर दिया था। अब उन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में ये CN नेगेटिव, HCN वाली एडिशन थी, NaSO3 नेगेटिव जिसमें बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन है NaHSO3, और ये अल्डोल कंडेंसेशन में CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH जिसको कार्बेनाइन कहते हैं। कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बेनाइन। और H नेगेटिव, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। H नेगेटिव कनेजर रिएक्शन में होता था। बट अगर आपसे जनरली पूछते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जो अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो, दैट इज टर्म्ड एज अ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। अब उसमें क्या होता है कि पावरफुल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, और आमतौर पर उनका साइज लार्ज होता है, दे आर गुड डोनर, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ईजिली डोनेट कर सकते हैं। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, यहाँ नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे था लेकिन इसमें एज न्यूक्लियोफाइल सल्फर एक्ट करता है। अगले लेक्चर में आपको डिटेल बताऊंगा कि वाई सल्फर इज़ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और इसमें भी सी पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज आए तो एक पावरफुल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनता है, ठीक है जी। तो बेटा ये थे बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स। अब हम चलते हैं, अगर एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो तो उसमें क्या इफेक्ट होना है, एसिड कैटालिस्ट ने क्या रोल प्ले करना है। जी बेटा, अगर हम एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करें तो इसमें हमें मेंशन करना होता है कि एसिड कैटालिस्ट करता क्या है। एसिड कैटालिस्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप
बाय गिविंग प्रोटॉन टू ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। बेस कैटलिस्ट क्या करता था, वो रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर बढ़ाता है। और एसिड कैटलिस्ट क्या करता है, बेटा जो एसिड कैटलिस्ट है ये इफेक्ट करता है कार्बोनिल ग्रुप पे, और कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जिसमें ऑक्सीजन पे लोन पेरा इलेक्ट्रॉन भी है, वो इस एच प्लस को जो मैंने एज एसिड कैटलिस्ट लिखा है वो लोन पेरा इलेक्ट्रॉन इस एच प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, इसकी ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होती है बाय गिविंग प्रोटॉन टू ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो एसिड कैटलिस्ट का एच प्लस ऑक्सीजन को मिलता है, ऑक्सीजन के लोन पेरा इलेक्ट्रॉन यूज होने से एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। बट अब ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है हाईली अनस्टेबल है, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है उस पे पॉजिटिव चार्ज आने से वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो ऑक्सीजन अपनी इस पॉजिटिव चार्ज की जो उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अपीयर हुई है उसे ख़त्म करने के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में से पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी टू पाई इलेक्ट्रॉन्स ये खुद एक्सेप्ट कर लेता है। ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया लेकिन जब उसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी खुद गेन कर लिया है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। पहले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी इस एसिड कैटलिस्ट ने क्या किया है, कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ा दिया, उसको पार्शियल पॉजिटिव से कंप्लीट पॉजिटिव कर दिया। जब ये कार्बन एक पावरफुल इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बन चुका हो तो अब उस पर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसिड कैटलाइज रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं देते, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो ईजिली रिएक्ट करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एसिड कैटलाइज रिएक्शंस कैन बी गिवन बाय वीक न्यूक्लियोफाइल एज वेल, बेस कैटलाइज रिएक्शन जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए देना पॉसिबल नहीं होता कि वीक न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन को अप्रोच नहीं कर सकते इन केस ऑफ बेस कैटलाइज रिएक्शन। एसिड कैटलाइज रिएक्शन में कार्बन का क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ चुका है, कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हो चुका है तो अब उस पर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी इजीली अटैक कर सकता है। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि एसिड कैटलाइज रिएक्शंस कैन बी गिवन बाय वीक न्यूक्लियोफाइल्स लाइक जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं वो सारे वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिलामीन, 2,4-DNPH जिसे कहते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, कुछ और भी होंगे, दे ऑल आर वीक न्यूक्लियोफाइल सो दे कैन गिव एसिड कैटलाइज रिएक्शन। तो यहाँ मैंने जनरली डिस्कस करवा दी आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विच कैन बी एसिड कैटलाइज्ड एज वेल एज बेस कैटलाइज्ड। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिस पे मैं इनकी रिएक्टिविटी कंपैरिजन के बाद इनके प्रेपरेशंस और रिएक्शंस की डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।